गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज रहे हैं 9 और हम करने वाले हैं चेकआउट, क्योंकि अंडमान में मोस्टली चेकआउट टाइम 9 बजे का ही है। और यहां से हम जाने वाले हैं हैवलॉक आइलैंड, जिसके लिए हमने एक प्राइवेट फेरी बुक करी है मैक्रूज, और हमारा फेरी का टाइम है 11:30, जिसके लिए हमें करीब 1 घंटे पहले पहुंचना है। तो हमारी कैब 10:15 पे हमें पिकअप करने आने वाली है, सो लेट्स सी। हमारी कैब पिकअप के लिए एग्जैक्ट टाइम पर आ गई है। यहाँ से हम जा रहे हैं हेडो जेटी, जो हमारे होटल सिल्वर स्प्रिंग से लगभग 4 किलोमीटर दूर है, जहाँ तक हमें पहुँचने में लगेंगे अप्रॉक्स 10 से 15 मिनट्स। अंदर एंटर करने के बाद सबसे पहले हमने लिया बोर्डिंग पास, उसके बाद हुआ बैगेज स्कैन एंड सिक्योरिटी चेक। नाउ वी आर रेडी टू बोर्ड आवर फेरी। ये है मैक्रूज, जो कि एक प्राइवेट फेरी है। पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक के लिए मैक्रूज के 4 टाइमिंग है, अर्ली मॉर्निंग 6 AM, 8 AM, देन 11 AM एंड आफ्टरनून 2 PM। मैक्रूज में सिटिंग एरिया को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, प्रीमियम, डीलक्स एंड रॉयल, जिसमें से हमने किया प्रीमियम एंड इसका टिकट प्राइस है 1725 रुपीज पर पर्सन। एंड फॉर डिस्काउंटेड रेट्स यू कैन कॉन्टेक्ट अस। अंदर एक फूड काउंटर भी है, जिसका खाना थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट क्वालिटी एंड टेस्ट दोनों बहुत ही अच्छे हैं। मैक्रूज के अलावा यहाँ पे एक और फेमस प्राइवेट फेरी है नोटिका, एंड यहाँ आपको गवर्नमेंट फेरीज भी मिल जाएंगी। और पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक पहुँचाने में इस फेरी ने लिया 1.5 घंटा। पोर्ट से एग्जिट करते ही आपको दिखेंगे कैब ड्राइवर्स, जो अपने अपने पैसेंजर्स का वेट कर रहे हैं। हमने अपनी कैब प्री बुक कर रखी है, जिसके लिए हमने दिए 200 रुपीज हमारे होटल एक्वास तक के लिए। हैवलॉक फेरी टर्मिनल से होटल एक्वास अप्रोक्स 3 किलोमीटर दूर है, जहां हमें पहुंचने में लगेंगे मैक्सिमम 10 मिनट्स। तब तक हैवलॉक के रास्तों का मजा लेते हैं। यहाँ के रास्ते बहुत खूबसूरत हैं। हमने होटल पहुँचते ही चेक इन किया एंड स्कूटी रेंट पर ली, और अब हम निकल गए हैं राधानगर बीच के लिए। होटल का शूट हम आपको बाद में दिखाएंगे। ये है राधानगर बीच का पार्किंग एरिया, जहाँ पे पार्किंग का कोई चार्ज नहीं है, एंड पार्किंग के साथ ही है मार्केट एरिया एंड कुछ रेस्टोरेंट्स भी। और अब हम चलते हैं राधानगर बीच की ओर। सो गाइज, वी हैव फाइनली रीच राधानगर बीच, जो कि हैवलॉक का सबसे सुंदर बीच है। और अगर आप अंडमान आ रहे हैं तो इस बीच को तो मिस कर ही नहीं सकते। ये बीच पे वाटर स्पोर्ट्स तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट बीच है अपना मी टाइम बिताने के लिए, जो कि मैं और साक्षी ऑलरेडी बिता रहे हैं। और ये हमारी आर्टिस्ट साक्षी जी, सब्सक्राइब किया ट्रिप। गाइस, हमने बीच पे बहुत मजे किए और पानी से हम पूरे भीग भी गए हैं, और हमारे कपड़ों में भी रेत घुस गई है, तो इसकी वजह से हम कुछ शूट्स भी नहीं ले पाए, ताकि पानी फ़ोन में ना जाए। लेकिन अभी हम जा रहे हैं वापस अपने होटल, वहाँ पे हम फ्रेश होते हैं और शायद हम एक बीच और जाएं आज। राधानगर बीच के बाद घूमते घामते हम पहुँच गए हैं अपने होटल एक्वास। तो चलिए करते हैं एक्वास होटल्स एंड रिजॉर्ट्स को एक्सप्लोर। ये है होटल का एंट्रेंस। एंटर करते ही लेफ्ट साइड पे सबसे पहले है एक्वास बार, एंड राइट साइड पे है रिसेप्शन एरिया। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड पे एक्वास के रूम्स हैं, जो कि ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर में डिवाइडेड हैं।
हमारा रूम फर्स्ट फ्लोर पे है, जिसका व्यू हम आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं। देन आ जाता है होटल का कॉमन पूल एरिया, एंड पूल के जस्ट सामने है बेकरी, एंड बेकरी के ऊपर है रेस्टोरेंट एरिया। रेस्टोरेंट के बाद ये है एक ओपन स्पेस जहां बहुत खूबसूरत लाइटिंग की गई है स्पेशली फॉर कपल्स, और इसी के साथ लगता है इस होटल का प्राइवेट बीच जहां पे कैंडल लाइट डिनर भी कर सकते हैं, जो कि चार्जेबल है 5,000 रुपीज़ अप्रोक्स पर कपल, और ये फोटोज क्लिक कराने के लिए भी एक बहुत अच्छा स्पॉट है। ये है हमारा रूम जो कि एक्वास हैवलॉक का बेसिक कैटेगरी रूम है, हैवलॉक प्लाजा। इसकी कॉस्ट हमें पड़ी अप्रोक्स 6,000 पर नाइट विद ब्रेकफास्ट। एंड फाइनली लेट्स सी द ब्रेकफास्ट एरिया ऑफ एक्वास हैवलॉक।